पानीपत में आज 16 सेंटर पर किया जाएगा कोरोना वैक्सीनेशन। अब तक 35.43% ने कराया टीकाकरण। पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन जरूरत के अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीन की किल्लत है, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या नहीं बढ़ा पा रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध है। अभी तक पानीपत के कुल 35.43% लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 70% आबादी का वैक्सीनेशन जरूरी है। पानीपत में शनिवार को वैक्सीनेशन के लिए कुल 16 सेंटर बनाए गए हैं। WHO के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले किसी जिले और शहर के 70% लाभार्थियों को वैक्सीनेट करके तीसरी लहर से बचा जा सकता है। हालांकि वैक्सीन की कमी के चलते पानीपत में वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिस कारण लोगों को कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन के कुल लाभार्थियों की संख्या 8 लाख से अधिक है। अभी तक जिले के 3.5 लाख लाभार्थियों को ही कोरोना की पहली और दूसरी डोज लग पाई है। इनमें 3 लाख को पहली और करीब 50,000 को दूसरी डोज लगी है। शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 12 सेंटर बनाए गए थे, जिन पर कुल 1,820 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। शनिवार को विभाग ने सेंटरों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी। आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सेंटर बनाए गए हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है।